अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है, जिसका नाम है होमोस्टेसिस। तो होमोस्टेसिस के बारे में हम इंट्रोडक्शन जो है इसका स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे और कौन कौन से डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस हैं वो हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। होमोस्टेसिस स्टडी करने से पहले सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो होना ज़रूरी है, उसका आइडिया होना ज़रूरी है। एनवायरनमेंट क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द सराउंडिंग और कंडीशंस इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट एक्चुअली क्या होता है कि हमारी सराउंडिंग जिसमें कोई प्लांट, कोई एनिमल रहता है उसको हम अपना एनवायरनमेंट कहते हैं। अब एनवायरनमेंट एक्चुअली दो तरह का होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होता है और इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है। अब एनवायरनमेंट को समझना क्यों ज़रूरी है? अब देखें, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हमारी बॉडी के बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है, जिसमें हमारा जो है वो वेदर्स आ जाते हैं कि वेदर किस तरह का है, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो है वो टेम्परेचर एनवायरनमेंट का क्या है, इसी तरह एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो हवा में नमी कितनी है, पानी की अवेलेबिलिटी क्या है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारी बॉडी के बाहर जो भी एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर वाला जो एनवायरनमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। अब एक चीज़ याद रखनी है कि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को लगातार इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। किस तरह इफ़ेक्ट करता है? अगर हम एग्जांपल ले लें कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस गर्मी की वजह से हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। जिस तरह हाई टेम्परेचर हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं उन पर इफ़ेक्ट करते हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट्स है वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आएगा तो उससे हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो उस इंटरनल, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट होने से बचाते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर डिफरेंट सिस्टम दिखाए गए हैं कि नर्वस सिस्टम है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है वो एमरजेंसी रिस्पॉन्सेज शो करता है और हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब इस इंटरनल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं होमियोस्टेसिस का, ठीक है। कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रही हैं उन चेंजेस से इंटरनल एनवायरनमेंट को बचाना, दैट इज़ कॉल्ड होमियोस्टेसिस। तो इसमें डिफरेंट सिस्टम इन्वॉल्व है, नर्वस सिस्टम भी हमें हेल्प कर रहे हैं, इसी तरह हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है प्रोड्यूस करता है और हमारी बॉडी का होमियोस्टेसिस मेंटेन रखते हैं। इसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम है कि अगर बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है, वायरस बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बायोलॉजिकल डिफेंस करते हैं और हमारी बॉडी का जो होमियोस्टेसिस है उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी की कंडीशन हैं उसको मेंटेन रखते हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉन्टीन्यूसली हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट कोशिश करता है कि वो चेंज ना हो, ठीक है। तो उस चेंज को रोकना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड होमियोस्टेसिस। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं आगे। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाली फ्लक्चुएशन, जो चेंजेस आ रही हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो चेंजेस हैं उससे हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को बचाना, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज़ कॉल्ड होमियोस्टेसिस। अब डिफरेंट होमियोस्टेसिस की एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें देखें कि मैनी वेरिएबल्स आर मेंटेन बाय होमियोस्टेसिस। हमारी बॉडी में डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम होमियोस्टेसिस से मेंटेन रखते हैं, जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है सबसे पहले, कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 तक रहता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस है जो टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा है। इसी तरह हमारे ब्लड की पीएच जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है, हमारी बॉडी कॉन्टीन्यूसली अपने ब्लड की पीएच को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। इसी तरह ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन किया जाता है, हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हम पानी कम पीते हैं तो हमारा जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, हमारी किडनीज़ मैक्सिमम पानी को अब्जॉर्ब करती हैं ताकि हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए, ठीक है। इसी तरह अगर हम ज़्यादा पानी पिएं तो हमारी बॉडी उस एक्सेस पानी को किडनीज़ जो है वो रिमूव कर देती हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, आयन बैलेंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन की जाती हैं होमियोस्टेसिस से। होमियोस्टेसिस तो एक मेन जो है वो आपके पास जो मेन हेडिंग है वो आपके पास होमियोस्टेसिस आ जाती है। इस होमियोस्टेसिस के आगे फर्दर इसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल पहली कैटेगरी हमारे पास आती है ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। अब होमियोस्टेसिस के अंदर ही ऑस्मोरेगुलेशन आता है कि हमने देखा कि होमियोस्टेसिस में हम डिफरेंट चीज़ों को अपनी बॉडी में मेंटेन रख रहे हैं।
अब मेंटेन कौन कौन सी चीज़ों को करने हैं, उन चीज़ों के लिहाज से आगे डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर हम अपनी बॉडी में सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, दैट देन इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, तो वो जो होमोस्टेसिस होगी जिसमें हम अपनी बॉडी में सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड होमोस्टेसिस। तो इसकी डेफिनेशन देखें, इट कैन बी डिफाइंड एज द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज ऑस्मोरेगुलेशन। तो दो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर और उसके अलावा सॉल्यूट, इन दोनों की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, दैट इज़ कॉल्ड होमोस्टेसिस ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, होमोस्टेसिस की ही आगे से ये जो है वो टाइप है ऑस्मोरेगुलेशन। तो हमारी बॉडी में अगर पानी कम हो जाता है या पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, ये भी ऑस्मोरेगुलेशन में आएगा। और अगर सॉल्यूट्स की मिकदार, आयंस सॉल्ट्स की मिकदार चेंज हो जाती है तो उसको भी मेंटेन रखना, ये भी ऑस्मोरेगुलेशन में आएगा। इसी तरह जो सेकंड आपके पास टाइप आती है होमोस्टेसिस की, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। अब थर्म का वर्ड जो है ये हम नॉर्मली टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं, तो थर्मोरेगुलेशन नाम से जाहिर है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना विद इन अ टॉलरेबल रेंज, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। तो इट इज़ डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज डिजाइनेटेड एज थर्मोरेगुलेशन। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, दैट इज़ ए थर्मोरेगुलेशन। अब दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज़म्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड और कुछ होते हैं वार्म ब्लडेड या होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स ऑर्गेनिज़म वो होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। अब ह्यूमंस भी इसी में आ जाते हैं होम्योथर्म्स में, हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जो खाना खाते हैं उस खाने से मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उस हीट को हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा हम शिवरिंग करते हैं सर्दियों में, जब हम कांपते हैं शिवरिंग, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं शिवरिंग के दौरान, तो हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा स्वेटिंग हमारी बॉडी से जो एक्सेस हीट है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। तो हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज़म्स हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ना ज़्यादा होने देते हैं और ना कम होने देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं विद इन अ टॉलरेबल रेंज, उनको हम कहते हैं वो होम्योथर्म्स हैं। कुछ ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, ठीक है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है तो ऑर्गेनिज़म की बॉडी का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑर्गेनिज़म की बॉडी का भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो उन ऑर्गेनिज़म्स को हम कहते हैं वो हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज़म। ठीक है, तो थर्मोरेगुलेशन में दो तरह के ऑर्गेनिज्म आगे आ जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं या हेट्रोथर्म्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, जैसा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा वैसा ही उनकी बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा। और दूसरे होम्योथर्म्स हैं जिसमें ह्यूमंस आ जाते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसके बाद जो होमोस्टेसिस की थर्ड हमारे पास जो है वो कैटेगरी आती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, हमारी बॉडी से जो वेस्ट नाइट्रोजिनस मटेरियल है उसको रिमूव करना। तो ऐसा नाइट्रोजिनस मटेरियल जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है उसको बॉडी से रिमूव करना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजिनस वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब इनको रिमूव क्यों किया जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं, अगर ये हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है ताकि हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो ख़राब ना हो। तो अगेन होम्योस्टेसिस ही हो रही है, लेकिन अगर हम वेस्ट को रिमूव करें तो देन इट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब ये तमाम प्रोसेसेस जो भी हमने देखे हैं कि हमारी बॉडी अपनी बॉडी के अंदर जो है वो पानी और सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है, फिर टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है, वेस्ट को भी बॉडी से रिमूव करती है, तो इन तमाम चीज़ों को करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, ये कंट्रोल सिस्टम बताता है कि आपकी बॉडी का होमोस्टेसिस किस तरह मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल ले लें। ठीक है, दो तरह के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, एक फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम होते हैं, ठीक है, पहले हम फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम के बारे में देख लेते हैं, और दूसरा हमारे पास आता है लिविंग कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, हम फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम की तरफ आते हैं, एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक एयर कंडीशनर है, ठीक है, घर में। अब वो एयर कंडीशनर जो है उसका काम जो है, हमने उसको सेट किया हुआ है 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो 26 पर हमने एसी को जो है वो सेट कर दिया।
अब एयर कंडीशनर के अंदर एक रिसेप्टर होता है, ठीक है, एक रिसेप्टर होता है जो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, एक स्टिमुलस। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब भी वो रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करेगा, अगर टेम्परेचर कम होता है तब भी वो रिसेप्टर्स को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, वो एक स्टिमुलस है, और रिसेप्टर क्या कर रहा है, चेंजेस को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्टिमुलस में क्या चेंज आ रहा है, क्या टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है, रिसेप्टर उस चेंज को डिटेक्ट करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है टू द कंट्रोल सेंटर, ठीक है। इनपुट इन्फॉर्मेशन सेंड अलॉन्ग एफरेंट पाथवे टू द कंट्रोल सेंटर, तो रिसेप्टर इस इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देगा टू द कंट्रोल सेंटर, ठीक है। अब रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर तक जाने के लिए जो पाथवे, ठीक है, जो रूट इस्तेमाल करेगी उसको हम कहते हैं एफरेंट पाथवे, ठीक है। तो वो पाथवे जो कंट्रोल सिस्टम की तरफ आ रहा है इन्फॉर्मेशन लेकर, उसको हम एफरेंट कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम देखता है कि मुझे रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि फॉर एग्जांपल जो रूम का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है, लेकिन हमने सेट किया हुआ था कितना, 26। अब कंट्रोल सिस्टम ने क्या करना है, 30 डिग्री जो टेम्परेचर है उसको कम करके 26 पे लाना है। तो कंट्रोल सेंटर इन्फॉर्मेशन सेंड करता है टू द इफेक्टर, ठीक है। अब इफेक्टर जो है ये क्या करेगा, ये कंप्रेसर होगा, ठीक है, जिस तरह फ्रीज़र के अंदर कंप्रेसर होता है, तो ये कंप्रेसर क्या करता है, ये हवा को ठंडा करना शुरू कर देता है, जिससे टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट का दोबारा से 26 पर आ जाते हैं। अब कंट्रोल सेंटर से इंफॉर्मेशन इफेक्टर तक जाने के लिए जो पाथवे इस्तेमाल करेगी, दैट इज़ कॉल्ड इफरेंट पाथवे। तो अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है टूवर्ड द कंट्रोल सेंटर तो पाथवे कौन सा होगा, एफरेंट पाथवे ए से, और अगर इन्फॉर्मेशन जा रही है फ्रॉम कंट्रोल सेंटर टू इफेक्टर तो तब पाथवे आपके पास कौन सा आएगा, इफरेंट पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पर तीन मेजर चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके कंट्रोल सिस्टम, एक फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर होती हैं। पहली चीज़ आपके पास आती है रिसेप्टर जो क्या करे, चेंजेस को डिटेक्ट करे। सेकेंड थिंग आती है आपके पास कंट्रोल सेंटर, और थर्ड क्या होती है, इफेक्टर। यही तीनों चीज़ें मिलकर ये एक फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम हमने देखा था कि एयर कंडीशनर की अगर हमने बात की थी। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी एक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं लिविंग कंट्रोल सिस्टम। अगर हमारे एनवायरनमेंट में कोई टेम्परेचर की अगर हम बात करें, टेम्परेचर या कोई भी चीज़ अगर चेंज होती है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमारी स्किन के अंदर थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, फिर वो रिसेप्टर्स है वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हैं हमारे कंट्रोल सेंटर, हमारे ब्रेन तक, ठीक है। हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को जज करता है, और अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा टू इफेक्टर, जो स्वेट ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी स्वेटिंग करना शुरू कर देगी, जब स्वेटिंग होगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर एनवायरनमेंट ठंडा हो रहा है, सर्दी आ रही है, तो रिसेप्टर्स हैं वो सर्दी को डिटेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं कंट्रोल सेंटर हमारे ब्रेन तक। हमारा ब्रेन क्या करता है, इफेक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ पर इफेक्टर्स क्या आएंगे, आपके मसल शिवरिंग करना शुरू कर देंगे, जब मसल शिवरिंग करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो यूँ हमारा लिविंग सिस्टम जो है, वो जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है, ये आपकी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कोई भी अगर बैलेंस ख़राब होगा आपकी बॉडी का, तो आपका कंट्रोल सिस्टम उस बैलेंस को क्या करता है, ठीक करने की कोशिश करता है। उसके बाद हम देखते हैं वाटर रिलेशन टू सेल, ठीक है। यहाँ पर तीन हम जो है वो डिफरेंट टाइप के वाटर रिलेशन देखेंगे, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ये कुछ कंडीशंस हैं कि हमारा जो, अगर हम एक सेल को एग्जांपल ले लेंगे, अगर हम एक ग्लास के अंदर एक सेल को रख देते हैं, ठीक है, एक ग्लास में पानी है, उस पानी के अंदर हमने एक सेल रख दी है। अब जो पानी है उसके अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़रा डिफरेंट है, और सेल के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो हम देखते हैं कि इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर सेल के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं। सिंपल हम देख लेते हैं, पहली कंडीशन आपके पास आती है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको डिटेल में देखें, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट जो है वो कैसा होता है। जी, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट जो है, ये ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा और इंटरनल एनवायरनमेंट ज़्यादा डाइल्यूट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें कि आपने एक सेल को एक ग्लास के अंदर रखा हुआ है, उस ग्लास के अंदर पानी है, ठीक है। तो पानी जो है वो सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और सेल के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सेल के अंदर वाला क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है सेल का, उसमें 10% जो है वो वाटर है, ठीक है,
और जो सॉल्ट्स हैं कितने हैं, वो 90%। ठीक है, तो सेल के बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है उसमें पानी कम है 10%, और सॉल्ट्स क्या हैं ज़्यादा, और सेल के अंदर, सेल का जो अंदर वाला एनवायरनमेंट है उसमें पानी जो है वो 90% है और सॉल्ट कितने हैं 10%। अब यहीं से कंक्लूजन निकाल लें कि सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, सेल के बाहर पानी क्या है कम। तो पानी मूव करता है, ऑलवेज मूव करता है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो सेल के अंदर से पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर पानी ज़्यादा है तो सेल के अंदर से पानी बाहर निकलना शुरू कर देगा। जब सेल के अंदर से पानी बाहर निकलना शुरू कर देगा तो सेल क्या कर जाएगा, सेल वाटर विल मूव आउटसाइड द सेल एंड सेल क्या कर जाता है, ये श्रिंक कर जाता है। ठीक है, सेल जब श्रिंक हो जाता है तो सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस हो गई है, कि पानी सेल को लीव कर गया, जो सेल है वो श्रिंक कर गया, सेल की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि सेल के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, डाइल्यूट। तो सेल के अंदर से पानी बाहर मूव कर जाता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। ठीक है, जो नेक्स्ट कंडीशन आपके पास आती है दैट इज़ कॉल्ड आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक कंडीशन के अंदर अगर हम देखें तो आइसोटोनिक कंडीशन के अंदर आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो इसमें सेल के अंदर और बाहर जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैं दोनों सेम होंगे। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर वाटर 50% है, सॉल्ट भी कितने 50%, और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल उसके अंदर पानी 50% है और सॉल्ट्स भी कितने 50% है। अब देखें, जब दोनों तरफ एनवायरनमेंट सेम है तो वाटर विल मूव आउटसाइड एंड इनसाइड एट इक्वल रेट्स। ठीक है, पानी सेल के बाहर भी मूव करेगा और सेल के अंदर भी मूव करेगा इक्वल रेट्स पर। ठीक है, ना पानी ज़्यादा बाहर जाएगा और ना पानी ज़्यादा जो है वो अंदर आएगा, तो इसकी वजह से सेल का साइज है वो क्या रहेगा, रिमेन सेम। सेल की प्लाज्मोलाइसिस यहाँ पर नहीं होती। तो पहली कंडीशन आपके पास हाइपरटोनिक थी, जिसमें सेल के अंदर पानी ज़्यादा था तो पानी सेल के अंदर से बाहर मूव कर गया, सेल श्रिंक कर गया, सेल की डेथ हो गई। सेकंड कंडीशन आपके पास है वो आइसोटोनिक है, जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेम होते हैं, होमोस्टेसिस की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड कंडीशन आपके पास आ जाती है हाइपोटोनिक कंडीशन। अब हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होगा कि सेल के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें पानी ज़्यादा है 90% और सॉल्ट कम है 10%, और सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इसमें वाटर 10% है और सॉल्ट्स कितने हैं 90%। अब देखें कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी क्या है ज़्यादा और इंटरनल एनवायरनमेंट में पानी क्या है कम। तो पानी मूव करता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनटू द सेल। ठीक है, तो वाटर विल मूव इनसाइड द सेल। ठीक है, कि सेल के बाहर पानी ज़्यादा है तो पानी बाहर से सेल के अंदर मूव करना शुरू करता है। जब सेल के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाएगा तो सेल क्या कर जाएंगे, ये स्वेल कर जाएंगे। सेल स्वेल करते हैं और फिर वो बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं। तो इसके नतीजे में भी क्या हो जाती है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है। तो ये दो कंडीशंस हमने देखी, एक आपके पास हाइपोटोनिक कंडीशन है और दूसरी हाइपरटोनिक कंडीशंस हैं। ये दोनों कंडीशंस हैं ये ख़तरनाक हैं, इन दोनों कंडीशंस में सेल की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस में होम्योस्टेसिस की ज़रूरत है। आइसोटोनिक जो कंडीशन है इसमें सेल की डेथ नहीं होती, तो यहाँ पर होम्योस्टेसिस की ज़रूरत नहीं है। तो फर्दर हम आगे देखेंगे पूरे चैप्टर में कि हाइपोटोनिक जो कंडीशन होगी उसमें किस तरह सेल सर्वाइव करते हैं, और हाइपोटोनिक कंडीशन जो होगी उसमें सेल किस तरह सर्वाइव करते हैं। हमारे पास सिंपल है कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में जो पानी है वो सेल से बाहर मूव कर रहा है। ठीक है, पानी जो है वो सेल से बाहर मूव कर रहा है, तो सेल के पास कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए कि वो अपनी बॉडी से पानी को बाहर निकलने से रोक दे। ठीक है, तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह हाइपोटोनिक जो कंडीशन है इसमें जो पानी है वो सेल के अंदर दाखिल हो रहा है, तो सेल के अंदर कुछ ऐसी अडॉप्टेशंस होनी चाहिए कि ज़्यादा पानी सेल के अंदर एंटर ना हो। तो ये जो अडॉप्टेशंस जो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं, यही हम फर्दर इस चैप्टर में डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। जी, फर्स्ट जो लेक्चर है हमारा वो यहीं तक होगा। ठीक है, यहाँ पर तीन सेल्स दिखाए गए हैं वही डिफरेंट कंडीशंस में। आपका रेड ब्लड सेल सेंटर वाली जो पिक है, इसमें रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये कंडीशन आपके पास आएगी आइसोटोनिक। जो राइट साइड पर कंडीशन है ये वाली, इसमें देखिए सेल श्रिंक कर गया हुआ है, सेल के अंदर से पानी निकल गया हुआ है, तो ये आपके पास हाइपरटोनिक कंडीशन आती है, जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी कम होता है। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड पर कंडीशन है जिसमें सेल स्वेल कर गया हुआ है, ये आपके पास आती है हाइपोटोनिक कंडीशन। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिनमें से जो राइट और लेफ़्ट वाली कंडीशंस हैं ये ख़तरनाक हैं, इनसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है।
आइसोटोनिक जो सेंटर वाली कंडीशन है ये स्टेबल है, ठीक है। तो इन्हीं कंडीशंस को हम फिर आगे डिटेल में देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर ये अडाप्टेशंस किस तरह होती हैं कि वो सर्वाइव कर जाए, और एनिमल्स के अंदर क्या क्या अडाप्टेशंस होती हैं कि वो सर्वाइव कर जाए।